टेरेस एक हमारे लिए एसेट है, उसको खाली ना छोड़े। उसके लिए आपको मरम्मत करनी है, हर साल करनी है, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप चौहान, गच्ची वर्ष बाग, नासिक, महाराष्ट्र से। हमारे टेरेस गार्डन के बारे में पहले एक वीडियो आपको दिखाया था कि किस तरह हमने धूप में, यानी कि ये जो समर का सीज़न था, गर्मी का सीज़न था, तो उसमें हमने सब मिट्टी को सूखा लिया है, खाली कर दिया है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि अपना जो भी टेरेस है उसकी मरम्मत करना, जो भी थोड़ी सी होगी जैसे उसकी नीड होगी वैसे मरम्मत कर सकते। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ डॉक्टर फिक्सिट का एक लेयर दिया है, छोटा छोटा, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। दरारें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं हर साल इसकी मरम्मत करता हूँ। देखो, टेरेस एक हमारा जहाज की तरह है जो पूरा समंदर में चलता है। अगर जहाज को थोड़ा सा भी अगर छेद हो तो उसमें से पानी भर जाएगा और आपका जहाज डूब जाएगा। वैसे ही टेरेस है, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हर साल मई और जून में आपको मिट्टी सुखाना है, टेरेस को खाली कर देना है, जो भी छोटी छोटी दरारें होंगी उस पर आपको मरम्मत करनी है। मेरा घर कुछ भी लीकेज होता नहीं है, लेकिन मैं हर साल ये प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि इससे अपने टेरेस की एक लाइफ बढ़ जाती है। तो टेरेस एक हमारे लिए एसेट है, उसको खाली ना छोड़े। उसके लिए आपको मरम्मत करनी है, हर साल करनी है, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। लेकिन छोटी सी दरारें अगर आपने बंद कर दी तो एक बड़ा डूबने वाला जो जहाज है उसको हम रोक सकते हैं, बड़ा जो हमारा नुकसान होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। तो आइए, इस टिप से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोटिंग कैसे करना है, क्या करना है, तो नीचे दिए गए कॉल पर आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मरम्मत कैसे की जाए। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहे और उगाते रहे, खाते रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।